ना, इसलिए जो है यहाँ पे अन्य उनके लिए इतना आसान है, क्योंकि वेद बुद्धि से शरीर में सकारात्मक करके काम करने का अभ्यास हो गया, उसको छोड़ना आसान है। परंतु वो यदि इस प्रकार का दिव्य सुख आनंद लेना चाहते तो उन्हें क्या काम करना पड़ेगा, मन को अपने वश में करना है। मन को अपने वश में, मनुष्य निग्रह आयत्तम अभयम सर्वोदय, किसी भी मार्ग के साधक हो यदि मन को निग्रह कर पाते हैं तो अभय पद को प्राप्त कर सकते हैं। तीन चीज होता है, युग की विभूति और क्या, आत्मा के प्रति जागृति, अनिर्दिष्ट आनंद की प्राप्ति है ना। आत्मा की विवृत्ति धीरे धीरे समाज में आता है, फिर कहता है जैसे हम अपने स्वरूप के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो धीरे धीरे आनंद आनंद है, वो आनंद क्या विषय आनंद नहीं, अनिर्दिष्ट आनंद की प्राप्ति होता है। कल 40 तक हमने पढ़ ली, ठीक है ना। आप इस प्रकार ये मन को निरोध करना ये भी आसान है, मन को निरोध करने का आसान बात नहीं, अत्यंत असंभव भी बोल दिया था। अध्ययन में होता है कथम मुमुक्षुनाम, नंबर 41 के लिए परीक्षा दिया है, कथम मुमुक्षुनाम जिज्ञासुनाम मनोनिग्रह सिद्धे, है ना। जिज्ञासु मुमुक्ष का मन निग्रह कैसे हो सकता है, ठीक है, ये जिज्ञासु है मुक्ति चाहते हैं, ठीक है, विचार दृष्टि इतना सूक्ष्म नहीं है, परंतु वो भी तो मुक्त होना चाहते हैं, उसके रास्ते कैसे खुले। उनका कथम मुमुक्षुनाम जिज्ञासुनाम मनोनिग्रह सिद्धे, उनका मनोनिग्रह कैसे सिद्ध हो सकता है, यदि आशंका आह ऐसे उसको शंका करते हैं तो उसके उत्तर में मानव कार्य का बोलते हैं। उत्सेक उदधैर्यत्व, उत्सेक उदधैर्यत्व, कुशाग्रेणैक बिन्दुना, कुशाग्रेणैक बिन्दुना, मनसो निग्रहस्तत्व, मनसो निग्रहस्तत्व, भवेद परिखेदतः, भवेद परिखेदतः, उत्सेक उदधेयत्व, कुशाग्रेणैक बिन्दुना, मनसो निग्रहस्तत्व, भवेद परिखेदतः। छोटा सा चिंता की माथे को एक ही बूंद पानी उठा करके समुद्र को खाली करने का संकल्प करेंगे, जितना मानसिक शक्ति है ना, जितना कठिन काम होता है, उससे उदधे समुद्र को सुखा देना, समुद्र को सुखा देना जगभर कैसे, उषाग्रण एक बिंदु ना, उषा की एक एक बूंद लेकर के एक एक बूंद करके आपने समुद्र से पानी उठा रहे हैं। इसमें जितना आपको धैर्य और अध्यावश्यक चाहिए, जितना धैर्य और अध्यावश्यक चाहिए, कुशाग उत्से का उधर एक समुद्र को खाली करने के लिए कैसे एक कुशा के एक बिंदु के तरह, जैसे आपके मतलब दृढ़ निष्ठा और अध्यावश्यक चाहिए, मनुष्य और निग्रह तत्व मन की निग्रह भी इसी प्रकार से भवे और परिखे तत्व, खिन्नता नहीं आना चाहिए साधन में। हाँ इतना दिन गया कुछ नहीं हुआ छोड़ देते, ये नहीं होना चाहिए साथ, नहीं होता कोई बात नहीं, इस जन्म में आगे लोग नहीं होगा, ये तो अगले जन्म में होगा। लोग अभ्यास के लिए भी ऐसे ही होगा, दीर्घकाल निरंतर के साथ कर सकते हैं, दीर्घकाल निरंतर के साथ आदर पूर्वक करने करने से एक भूमि प्राप्त है। मन की निग्रह करना निश्चित कठिन होगा और इसके लिए कोई संदेह नहीं है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका निग्रह किया जा सकता है। परंतु उसके साथ जो चीज़ की आवश्यकता है वो क्या है कि अपरिखेद कहेंगे, खिन्नता नहीं आना चाहिए। भगवद गीता 18वें अध्याय में जाकर के भगवान श्री कृष्ण बुद्धि और धृति के बारे में कथन करना चाहिए। वहाँ पे सात्विक धृति क्या बोला, धर्मकर्मथन होगा प्रकार सिद्धि योगे न अभ्यही चलने धृति सत्य धृत्या धारयते मनो प्राणे लीयते, धृत्ता जया धारयते मनो प्राणे लीयते, योगे न अभ्यही चलने अभ्य धृति पार्थ साधि, मोक्ष साधन अपने साधन में मुक्ति प्राप्त करने के लिए अभ्यही चाहिए धैर्य के साथ, जो धैर्य कभी खिन्न नहीं होता, बस मेरे को मुक्ति होना है चाहे इस क्षण में, ये इस प्रकार की धैर्य और अपरिखेद को सात्विक धृति बोलते हैं, ये सात्विक धृति। और जया तो धर्म कामार्थम धृत्ता धारयते न प्रसंगे न फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो
धर्म मतलब मुक्ति के लिए प्रयास करने के लिए, उनके अपने धर्मार्थ काम के लिए प्रयास करके तब जाके यहाँ पे पहुँचा। उस समय राजसिक द्वितीय थी, अब जब सात्विक द्वितीय में पहुँच गया, क्या किसी भी प्रकार से वह किसी तत्व नहीं जो भगवान को प्राप्त करना लगे रहने हैं उसमें, ठीक है हुआ नहीं हुआ उस स्वर को छोड़ना पड़ता, अपने को लगा रहना जो अपरिखेद खिन्नता नहीं आना चाहिए, हाय नहीं हो रहा है, हाय क्या करो, हाय हमसे होगा ही नहीं, ये एक दिन ठीक है आकुलता चाहिए, हमारी आग्रह चाहिए, हमारी आग्रह भगवान की अनुग्रह, ये दोनों अपेक्षा रखते हैं, हमारी आग्रह भगवान की अनुग्रह, ये दोनों मिलकर के होना संभव है, इसमें तो कोई शंका नहीं है, परंतु उस आग्रह का मतलब खिन्नता नहीं आना चाहिए, हमें बोलते हैं भैया इतना कितना खिन्नता मतलब आपको धैर्य चाहिए, कितना अध्यावश्यक चाहिए, ये इसलिए हमें गुरु जी का बोलते हैं कि परम स महाशक्ति क्या है, धैर्य श्रेष्ठता, और परम मित्र कौन है, उद्यम उत्साह अध्यावश्यक, उद्यम उत्साह अध्यावश्यक, किसी काम को करने के लिए उद्यम और अध्यावश्यक, ये परम मित्र अनुसाधन की बात, यही हमारे मित्र है, सिर्फ हम आत्मा ही वही आत्मानंद बंधु आत्मा ही वही पुरात्मा, यही हमारे मित्र है, यही हम मतलब जो हमको बार बार अभ्यास करने के लिए हमें अंदर से प्रेरणा देते हैं वो मन साधक जीव का मित्र होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे मंदिर को कार्य का सीधा बोल रहे हैं, एक एक करके एक एक बूंद करके समुद्र को खाली करने के लिए इतना धैर्य और अध्यावश्यक चाहिए, मन को भी रोकने के लिए इतना ही धैर्य और अध्यावश्यक चाहिए, मनुष्य अनेक कर्तव्य इसमें, और इसलिए ध्यान रखना इस प्रकार धैर्य यदि हम रख पाते हैं हमारे अंदर सत्य गुण की अधिकता होगी, उनको सात्विक धृति है अपने मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, आज धैर्य तो बना जाए मतलब आपके अंदर सत्य गुण की अधिकता हो जाए, मुक्ति के लिए प्रयास कर निरंतर लगा हुआ है चिंता में, वो सत्य सत्य गुण का अधिक बना देगा, इसी के ऊपर टिप्पणी दिखाई दे रहा है उत्सव का, एक नंबर टिप्पणी मूल में ही है, सामान्य उत्सव मतलब खाली करना है ना, उदय समुद्र का जब जैसे कैसे खाली करना, कुशा के ने एक बिंदु ना, कुशा के एक बिंदु के द्वारा एक समुद्र को खाली करने के लिए जैसे कठिनाई और अध्यापक मनुष्य निग्रह करता, मन की निग्रह करता, मन को अपने बस में रहना इतना ही अध्यापक भवे होता है ना, अपरिखेद भिन्नता भी जो करके साधन करके मन बस में आता है, एक नंबर टिप्पणी देखिए कुछ शेखरी यथा कस्यचित अध्यावशय वत स्थितिभस्य कुशाग्रेण कुशाग्र सद्विषेण सूक्ष्मेण चंचुअग्रेण समुद्रा वही प्रक्षिप्तेन एकैक बिंदुना उदधेर समुद्र से उत्सेक मतलब वृत्ति करना है, यहाँ पर संकल्प में कथा को कल बता दिया था है ना, ये पंचतंत्र कथा में आता है ना, ये पीठ का वो ले गया था फिर उसने क्या किया, नहीं मैं तो समुद्र को खाली करके अपना बच्चे को लाऊंगा वहाँ से, इस प्रकार यथा जैसे कस्यचित अध्यावशयतः स्थितिभस्य, ठीक है ना, कोई जो है अत्यंत दृढ़ निश्चय रखने वाला कोई एक छोटा सा जीव है, टिप्पणी का नाम है, देखिए यहाँ पे कस्यचित यहाँ षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पे स्थितिभस्य भी षष्ठी है, बीच में जो अध्यावशयतः ठीक है ना, ये भी षष्ठी है, अध्यावशय वाला है ना, ये दृढ़ निश्चय वाला, इसलिए सामने विभिन्न के कथन है, संकल्प में जो दृढ़ प्रतिज्ञा में जो अभिचरित हर एक सिद्धि उसकी कर्तव्य संक्रमण की दृढ़ता चाहिए, इसलिए यथा कस्यचित अध्यावश्यक स्थितिभस्य, कोई जो है कोई चिड़िया जो अत्यंत दृढ़ निश्चय वाला था, देखो ना इसलिए चिड़िया और कोई नहीं है, दास ऊपर न से हो जा सका एक चिड़िया जीवन में, ये आपको दृढ़ निश्चय ना ये तो भी जीवित सूर्य है, दास ऊपर न से हो जा सका समान वृक्ष ऊपर से चिड़िया के किसी वृक्ष में आश्रय करके दो चिड़िया बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं करता है जो देखता है उसमें तो वो खाना है शुद्ध भोगता है, अब हमको निश्चय करने की शुद्ध रूप से जैसे विश्वम ज्यादा पश्यति अन्नमी शशु महिमान गीत शोभा है ना, तो जैसे अपने ऊपर वाली चिड़िया को देखता है यही तो मेरा परमार्थिक स्वरूप है, तब उसको मैं संसार विश्व के फल को खट्टा मीठा फल को खाना छोड़ कर दें उस भाव में मन को स्थिर कर दें, इसीलिए यथा पश्यति अध्याय वशय वीवश्य कुशा ग्रेण मतलब कुशा सादृश्य, कुशा होता है कपड़ा सा एक दिन का
ना उसको का कुशा के साथ भी उसका चंचु है कुशा सदृश ना सूक्ष्म ना चंचु अग्रणा उनका सूक्ष्म चंचु के अग्रभाग होगा चंचु भी हो गया पीछे थोड़ा मोटा है अग्रभाग का बिल्कुल भारी हो गया अग्रेना समुद्रात वही समुद्र से बाहर प्रक्षिप्त एक एक बिंदु ना शब्द समुद्र से बाहर एक एक बिंदु बाहर ला करके लगता अनेक बिंदु उदधीर समुद्र से उत्से इस प्रकार समुद्र को सुखाने के लिए मतलब व्यक्ति करना उत्सव मतलब व्यक्ति करना ये उसके लिए जितना प्रयास और तदिना मन में संकल्प था फिर क्या हुआ था कुछ चिड़िया उनके पास आ गए क्या हो गया हम सजाती है भाई हमारा बच्चा लेगा चलो हम लोग भी मदद करते सभी ने थोड़ा थोड़ा मदद करने लगते और फिर नारद जी ने गरुड़ जी के पास संवाद पहुँचा दी फिर गरुड़ जी आए तब फिर आपने जबरदस्त हवा लगा कर समुद्र भी डर आ गया फिर भगवान आकर के समझौता कर दिया भाई मंडल आकर के दे बस तो ऐसा ही यहाँ भी क्या होगा जैसे हमारे दिन निश्चय अध्यवसर होगा ना तो हमारे हमारे साधन अनुकूल साथी अथवा साधन अनुकूल गुरु मिल जाए फिर क्या होगा कि ये आवेदन भगवान तक पहुँचे फिर भगवान आकर के स्थान पता नहीं हमारी लक्ष्य प्राप्त हो जाए मतलब वहाँ पर अंडा प्राप्त करना लक्ष्य का यहाँ स्वरूप प्राप्त करना लक्ष्य इसलिए पंडित मेधावी गंधरा है ना एक गुरु निर्देश को समझना आता पर पालन करके चलने वाला व्यक्ति अपने स्वरूप गुरु निर्देश को प्राप्त करेगा इसी के यहाँ पे देखिए आगे बोलना यहाँ पे हो गया उसके लिए पक्षी का संकल्प था गरुड प्रयासा दंड प्राप्त फलत संपन्न गरुड़ जी के प्रयास से फिर समुद्र को भगवान ने दंड दिया और बिना अपने सफला का अंडा क्यों ले गया था फल रूप से संपन्न हो जाता है उसका प्रचंड प्राप्त हो जाता है तथे वो ठीक इसलिए यहाँ तक उनका दृष्टांत होगा यहाँ तक उनका दृष्टांत होगा और दृष्टांत में बोल जाए तथे वो अध्यावश्य देखो समझे कि अध्यावश्य मतलब निश्चयवान व्यक्ति का निश्चयवान व्यक्ति का पुरुष सृष्टि में अपरिखेदत है ना खिन्नता से रहित होगा खिन्नता से रहित होगा कि एतावता अपि कालेन मन निकुल न जाता है किम अतः परम प्रश्न भी होना चाहिए हम अस्वीकार नहीं करते इतना दिन तक मैं शासन किया फिर भी मन अपना वश में नहीं आता फिर तक हमारे मुद्दे के अपने नहीं रहे ये महापुरुष के क्या मतलब प्रयोग जीवन में ऐसा अनुभव करने का अवसर भी नहीं है एतावता अपि कालेन इतना दिन तक साधन कर रहा हूँ 40 साल 50 साल जन्म बीत जाता है कितना जन्म बीत जाता है तब जाकर कि सुकृति सही होता है ऐसा बता अभी खाली ना मन निग्रह न चाहते मन का निग्रह मन शांत कि अतिमत परम कष्ट इससे अधिक क्या भी हो सकता है साधन सफलता नहीं आ रहा कष्ट इतनी अनुताप इस प्रकार की जो अनुताप है उसको परिखेद बोलते हैं है ना और तद राहित्यतः मतलब उसकी रहित राहित्य के जो भाव उससे साधन करना तद राहित मतलब इस परिखेद से रहित हो जाना और इस परिखेद से रहित होने से मनोवृत्ति रखो उस भाव के साथ साधन करना इसलिए तो हम जो दर्शन क्या बोला सत्कार सेविका है ना परिखेद सत्कार के साथ आदरपूर्वक करना चाहिए अष्टमता को परिखेद तद राहित हमारे एक स्वामी जी बोलते थे तो बोलते अरे मुक्ति आप कहने दो ये जो गुरु कृपा से मनुष्य को सेवा करने के मिल रहा है यही कम है क्या मुझे कम है जब तक भगवान कराएंगे करूँगा हम मुक्ति के लिए उतना चिंता नहीं ये अपरिचित साधन है अपना खुश रहता है इसलिए यही चीज होना चाहिए यही हो रहा है ठीक है क्या हम तो गलत मार्ग में जानबूझ के नहीं जा रहे हैं हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं जितना भगवान ने साधन सामर्थ्य दिया था उनको कर रहे हैं और करते भी रहेंगे अपने मुक्ति के लिए तो ठीक है प्रयास करने वाला है परंतु पूरा समाज की मुक्ति के लिए समाज को सदमार्ग में लाने के लिए जितना हमारा प्रयास है वो भी कम है क्या इसीलिए कि माध्यम परम प्रश्न की अनुताप और परिखेद तद राहित इस प्रकार की अनुताप को परिखेद कहते हैं और उससे रहित हो जाने का जो भाव तद राहित तथा उसके फलस्वरूप यह जन्म नहीं जन्मांतर वशी है ना इस जन्म में हो चाहे अगला जन्म में हो कि त्वरया इतना जल्दी भी क्या है कि भगवान के नाम करने का मौका मिल रहा है ये भी तो मतलब आनंद की बात है मुक्त होकर के भगवान के साथ एक हो जाना निश्चित तो परम आनंद है ना तो भगवान के नाम का मनुष्य शरीर प्राप्त करके ईश्वर के नाम करने ईश्वर के चरित्र करने का मौका दे दिया भगवान ने यही कम है क्या इसमें खिन्नता नहीं होना चाहिए किम त्वरया एवं
अनुपेग तो मनुष्य अधिक पता उद्वेग नहीं तो करके मन का नेत्र विघ्न भवे मन का नेत्र हुई शनि संपत्ति है ना धीरे धीरे से शनि शनि उपरमे बुद्धा द्वितीय था आत्मसंस्थान मानव करता न किसी रखी धीरे धीरे करना तो शनि बंधन शनि कर्ता शनि बंधन शनि विद्या विद्या आवरण विद्या आवरण अवग्रहण मतलब ये जो विद्या ग्रहण भी धीरे धीरे होता है शनि पंथा मतलब आचरण धीरे धीरे शनि कंथा जो कंथा सीखते हैं ना वो धीरे धीरे होता है शनि विद्या विद्या प्राप्ति धीरे धीरे होता है ज्ञान का इसलिए इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए बात क्षति इस बात अभी हो जाएगा ऐसा हो जाएगा तो एक ही चीज लोग सुन रहे हैं अरे एक ही चीज लोग सुन रहे हैं बंध क्या होता है अभी अनुभव में नहीं आ रहा जब तक सुनने के बाद अनुभव में आ जाए तो आपके आप सुन टीकाकरण के दृष्टांत दृष्टांतिक भूत श्लोक निर्दिष्ट अक्षरानी व्याचष्टे टीकाकार क्या बोल रहे हैं एक श्लोक में दृष्टांत भी है दृष्टांत भी दृष्टांत क्या हो गया टिप्टिप और दृष्टांत में हो गया हम साधक के मन टिप्टिप मन टिप्टिप और साधक इसके ठीक है ना दृष्टांत दृष्टांतिक भूत एक हो गया दृष्टांत एक हो गया दृष्टांत दृष्टांत हो गया टिप्टिप की अध्यावसाय और दृष्टांत दृष्टांत हो गया साधन अपने मन के लिए सारणीभूत श्लोक और निविष्ठान श्लोक में आए हुए जितना अक्षर है उसको व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं छोटा सा भाष्य मनस निग्रह तेषा उपाय आ ठीक है ना मनस निग्रह मतलब अगर मन को निग्रह करने में साधक के लिए उपाय के बारे में कथन करना चाहते हैं साधक के लिए उपाय के बारे में कथन करना चाहिए व्यक्ति की आवश्यकता है अथवा आपका निश्चयता की आवश्यकता है उसके बोलते हैं तेषा आप उत्सेक मनुष्य निग्रह तेषा उपाय आप उत्सेक भाषा करते श्लोक को लेकर के आप क्या यहाँ पे भाष्य में देखते हैं मनो निग्रह अभी तेषा उदधे कुशाग्रेण एक बिंदुना उत्सेष उत्सेचन शोषण व्यवसाय व्यवसायता अनवसन्न अंतकरणा अनिर्वेदा अपरिखेदत भवती इति अर्थ एक ही सेंटेंस में छोटे समाप्त कर दिया भगवान भाषा क्या बोलते हैं कि मनुष्य निग्रह अभी मतलब उन लोगों का देशांत मतलब उन लोग इन लोगों का जो लोग विचार पूर्वक संसार की मिथ्या को निश्चय कर वहाँ पर टिक नहीं पाता उनके लिए मन की निग्रही करना पड़ेगा तो मन उन लोगों के लिए मन निग्रह भी हो जाएगा क्योंकि इससे क्या से निश्चय को क्या होगा यदि बुद्धिपूर्वक निश्चय आकर पाते तो पहले काम ना करें आप उसका इतना निश्चय नहीं कर पाते इसलिए इस प्रकार की अध्यावसाय करना भी कठिन पड़ेगा समझ पा रहे हैं आपको किस जगह पर बताओ किस जगह पर दिखाना चाहते हैं आपको क्या दिखाना चाहते हैं उत्तम अधिकारी बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक आत्मविश्व का निश्चय करके जगत के मित्र का निश्चय करके व्यक्ति बन गए ये व्यक्ति उसको नहीं करते यानी कि मन में उतना सामर्थ्य होता मन उतना दृढ़ता नहीं है बौद्धिक दृढ़ता उतना नहीं है इस प्रकार के व्यक्ति को बोल रहे हैं तुमको बुद्धि में दृढ़ता लाना चाहिए यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि तुम्हारे अंदर इतना दृढ़ अध्यावसाय हो जाता है तब क्या हो जाएगा तो तुम्हारे मन में भी मन से इसको आत्मतत्व को बोध कर पाओ इसीलिए आगे बोलते हैं मनोनिग्रह अभी देशांत देशांत मतलब उस प्रकार के साधक को जिन लोगों ने उत्तम अधिकारी नहीं है उत्तम अधिकारी को हाँ इसलिए इसके पीछे जन्मांतरिक कर्म भी हम स्वीकार नहीं करते हैं ये जो अपने मन के ऊपर दृढ़ निश्चय करना कि आप अभ्यास करते करते होते हैं इसीलिए हमने गुरु जी कहते हैं साधन जीवन में शुरू में छोटा छोटा कोई प्रतिज्ञा कर संकल्प कर छोटा छोटा संकल्प लंबा समय के लिए नहीं जिसके ऊपर मन अधिक आसक्त रहते हैं उसको नहीं करूँगा जिसको करने के लिए मन बार बार बोलते हैं नहीं करूँगा 7 दिन 15 दिन 1 महीना नहीं करूँगा
इससे अधिक नहीं सुनना। इसमें तो सबसे बड़ी ये है कि जैसे ही नींद खुली बिस्तर में नहीं लाना, उठ। और जब तक हमारे पास बिल्कुल बैठे बैठे नींद आने, मतलब बैठेंगे सोए, इसके पहले का कृष्ण के साथ संबंध ना, तब क्या हो जाएगा? आपका माइंड के ऊपर भी कंट्रोल है या निद्रा के ऊपर भी कंट्रोल है? निद्रा के ऊपर भी कंट्रोल है ना। तो इस पर छोटा छोटा सुबह उठ के चाय पीने की इच्छा होता है, ठीक है, मस्से करने का एक महीना नहीं पी के देखता हूँ क्या होता है। एक महीना यदि आप उसको आप देखना, चाय अलग बात है, आपके मन के सामर्थ्य कितना बढ़ जाता है, मन के सामर्थ्य कितना बढ़ जाता है। किसी भी कठिन परिस्थिति में आदमी को डाल करके वहाँ से बाहर निकालने के लिए धैर्य रखना, ये मन की सामर्थ्य को बढ़ाना है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, वो उत्तम अधिकारी व्यक्ति को क्या हुआ था कि इतना निश्चय नहीं कर पा रहा, यानी कि दृढ़ निश्चय के अभाव है। अब उसके अंदर दृढ़ निश्चय लाना है, इसीलिए बोलता है और भवेत और परिकीर्ण अध्यावश्य दो शब्द प्रयोग किया है ना। बार बार प्रयास करो और खिन्न मत हो, मन में आ जाएगा सामर्थ्य। बार बार प्रयास करो, खिन्न मत हो, मन में सामर्थ्य आ जाएगा। इसीलिए मनुष्य निग्रह अभी तेषा उदधे उदधि से कुशाग्रेण एक बिंदु ना, समुद्र से कुशा एक सूक्ष्म बिंदु के द्वारा एक एक करके उत्सेचन, मतलब शोषण व्यवस्था, तो मैं इसको शोषण कर लूंगा, इस प्रकार निश्चय करने वाले व्यक्ति के समान व्यवसाय बताम, अतः इस प्रकार उस प्रकार निश्चय वाले व्यक्तियों का अनवसन्न अंतकरण, जिसका अंतकरण कभी खिन्न अवसन्न नहीं होता, हाँ इतना दिन क्या क्यों नहीं हो रहा है, क्या होगा होगा कि नहीं होगा, ये सब शास्त्रों का अवलंबन करके गुरु निर्देश से जब चल रहा हूँ तब भाई ठीक है, हमारे पूर्व की तरह कर्म है तो नहीं हो पा रहा है तो समाप्त नहीं होगा, हमें लगे रहेंगे, इसलिए होता है। अब व्यवसाय बताओ अनवसन्न अंत करना है, मुख्य रूप से अंत कर कभी अवसन्न नहीं, मन कभी खिन्न नहीं होता। अनिर्वेदाध है ना, उससे मन हटता नहीं है कभी, है ना, अनिर्वेदा वहाँ से मन नहीं हटने का कारण अपरिखेद खिन्नता नहीं होता, उसके लिए मन निग्रह होने भवेद अपरिखेद, मन के निग्रह होने अपरिखेद मनुष्य निग्रह भवती है ना। अपरिखिन्नता के साथ जब हम प्रयत्न निश्चय के साथ दृढ़ निश्चय के साथ जब हम प्रयास करते रहेंगे तो मन निग्रह हो जाते। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण बोला क्या बोला, असंशय महाभाव मन दूर निग्रह चल, ठीक बोला तुमने। आज का संबोधन क्या क्या वहाँ पे महाबाहो, अरे भारत कैपेसिटी तो कौन का लिवेटी भी अरे तो महाबाहो मन, इसको हम इंटेंशन जो संबोधन है वहाँ पे जो दिखा है कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, महाबाहो मान सामर्थ्य मान तो तब से ये ठीक है, कोई बात नहीं, मन में इतना मन में दृढ़ता है, मन ठीक नहीं हो रहा, परंतु उसका असंशय महाबाहो मन दूर, परंतु उसका उपाय क्या है, अभ्यास उस प्रकार निश्चय करने वाला, ठीक है ना, एक व्यवसाय बता मतलब एक हमने क्या बोले परम मित्र बने उद्यम उत्साह अध्यावश्यक, तीन चीजें उद्यम चाहिए आपको है ना, करूँगा उद्यम उत्साह जी हाँ इसी अंग में होगा, और अध्यावश्यक नहीं एक बार दोबारा तीन बार ये तो अध्यावश्यक वैसे भी तो यहाँ भी बोलते हैं कि तेषाम व्यवसाय वताम, इस प्रकार निश्चय करने वालों का पहले अपने निश्चय, निश्चय के बाद क्या होगा उद्यम प्रयास, पहले निश्चय किया फिर प्रयास किया असफल हुआ दोबारा की बार चल रहा है, इसको बोलते हैं अनुवेग होता तो उसमें उद्विग्नता नहीं है, उद्विग्नता नहीं है अभी करना बस धीरे धीरे तेषाम व्यवसाय वतान उद्योग भागिनाम अनुद्वेग वतान यदि संबंध, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए तेषाम उन लोगों का उस जो मनुष्य निकलो उत्सव निकलो उन लोगों का, उन लोगों कौन है कि व्यवसाय बताम, व्यवसाय बताम भाष्य में कहाँ है देखिए व्यवसाय बताम सेकंड लाइन में मिला, व्यवसाय बताम तो तेषाम उन लोगों का
जो षष्ठी भूवचन के साथ अन्वय करना है आपको, षष्ठी भूवचन के साथ अन्वय करना है। इसके बोलते हैं दया वसाय बताम, फिर उसका अर्थ करते हैं अनवसन्न अंत कर राना। तो आप देखिए उद्योग भागिनाम है ना, जिसमें उद्योग उद्योग करने का मतलब भाग, मतलब क्या बोलेंगे भ्रष्टा को उद्योग को सेवन करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। और फिर अनुद्वेग बताम, उसका देखो उद्विग्नता नहीं है, हमने इतना किया हुआ नहीं, ये भाव नहीं है, हमें करने का मौका मिल रहा है, यही हमारे लिए सौभाग्य है, बाकी जो होगा दिखा देगा। हम तो परिचय के लिए कम नहीं, मतलब कम नहीं करते, इसीलिए आप बोलते हैं कि तेषाम व्यवसाय बता उद्योग अनुद्वेग बता इसी संबंध। देखिए क्या बोलते हैं, चक्षुष निमिलने तमो दृश्यते तस्य च उन्मिलने घटादि एव उपलब्धते न कदाचिदपि ब्रह्म इति उद्वेग परिवर्जना प्राक उदीरितानां मन निग्रह संप्रतीतः। हमें क्या लगता है, हम भगवान दर्शन करना चाहते हैं, मतलब इतना दिन हो गया उठ करके मेरे को रोज हिमालय ही दिखता है, गंगा ही दिखता है, भगवान तो नहीं दिखते, हाय क्या हो गया मेरा, इतना दिन उत्तर कश्मीर रहने का क्या लाभ है। अपने आप देखिए लिख रहे हैं, चक्षुष निमिलने तमो दृश्यते, आप बंद करता हूँ तो अंधकार दिखता है, भगवान नहीं दिखता, आप खोलता हूँ तो हिमालय और गंगा ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते। यानी ऐसे बोलते हैं चक्षुष निमिलने तमो दृश्यते तस्य च उन्मिलने घटा दिए उपलब्ध, उसको खोलेंगे तो घट बट पेट नहीं दिखाई देता, न कदाचित भी ब्रह्म, कभी भी ब्रह्म तो दिखाई नहीं पड़ता, भगवान तो दिखाई नहीं पड़ता, इति उद्वेग परिवर्तन है ना, इस प्रकार कुछ होते हैं, इसी के अंदर ही भगवान, भगवान के बाहर नहीं है। प्राग कुटेरी ताना जो पहले कथन करता है ना, अब व्यवसाय बता अनवसन अंतकरणानं, इस बोलते हैं प्राग उद्वेग वर्जितानां प्राग उदीरितानां, जिसके बारे में पहले कथन करने आए, उन लोगों का मन निग्रह, इस प्रकार की व्यक्ति का मन को निग्रह करना संभव हो जाता है, यदि आप उसी को मन में रखते हुए और कोई खेलता तो बहुत खिन्नता नहीं आना चाहिए, आग्रह चाहिए खिन्नता नहीं चाहिए, ठीक है, आग्रह चाहिए खिन्नता नहीं चाहिए, आकुलता चाहिए परंतु दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, साधन करने का एक आनंद होता है, साधन करने का आनंद होता है, इसलिए तब जाकर मन अपने आप को बस में आ जाता है, मन अपने आप, इसलिए आप उसके लिए उपाय करेंगे मन को रोकने के लिए, देखो जब नहीं हो रहा है ना कोई बात नहीं, देखिए आचार्य कितना करुणा है, नहीं हो रहा हम तुमको उपाय बताएंगे कि मन को कैसे निग्रह किया जाए, इसलिए उपाय के लिए प्रतिज्ञा कर दिया जाए, हो गया 41 हो गया। अब देखिए 42 के लिए समाधि पूर्वतः तत्त साक्षात्कार प्रतिबंधिका लय विक्षेप कषाय सुख रागा तेभ्य मनस भक्षमान उपायेन निग्रहं कुर्यात्। ठीक है, आप समाधि का अभ्यास करते हैं, कुछ दिन समाधि का अभ्यास करते करते क्या हो जाएगा कि मन थोड़ा थोड़ा स्थिर हो जाएगा, अब मन स्थिर होने का तो आनंद होता है, आप उसे आनंद में आनंद समाधि पूर्वतः, समाधि लगाने वाले व्यक्तियों का षष्ठी एक वचन समाधि पूर्वक तत्व साक्षात्कार प्रतिबंधी का, समाधि पूर्ण करने वाले का तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंध क्या है, एक लय विक्षेप कषाय, लय होता है वो भी समाधि के लिए प्रतिबंधक है, जगाया उसको फिर इधर उधर दौड़ने लगते हैं वो भी, और लय भी नहीं हो रहा है विक्षेप भी नहीं रहा है, आपको तो कुछ विचार भी नहीं कर रहा, विचार भी नहीं कर रहा, ये तीनों स्थिति जो है मतलब आत्मा तो ज्ञान में आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक है, इसे बोलते हैं लय विक्षेप कषाय सुख रागा है ना, इस कषाय सुख अर्थ है और समाधि वगैरह तेभ्य इन सभी से मनस मन का वक्षमान उपाय आगे कहे जा रहे जो उपाय उस उपाय द्वारा निग्रहण कुर्या, मन को निग्रह करना चाहिए, मन को वहाँ के इस प्रकार से अपने बस में लाना चाहिए, मन को अपने बस में लाना चाहिए। दो नंबर टिप्पणी क्या बोलते हैं, समाधि पूर्वतः मतलब मन निग्रह आपका भया समाधि मतलब मन को निग्रह नामक जो उपाय उसके यहाँ पर समाधि शब्द द्वारा कहा गया, मन निग्रह आत्म समाधि
समाधि ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का ये तत्व साक्षात्कार का प्रतिबंध क्या क्या है, एक हो गया मन लय हो जाता है। जब क्योंकि आज तक देखिए हम जब भी बत्ती बंद करके आँख कान को आदेश देते हैं तो हमारा अभी तक अभ्यास क्या है, सो जाने का, यानी कि माइंड इसमें ट्यून हो रखा, माइंड ट्यून हो रखा। क्या ट्यून हो रखा, जब ये व्यक्ति चुप करके लाइट बंद करके हम चुप करके बैठते हैं तब ये सोना चाहते हैं, तब क्या था माइंड सोने की तरह चाहिए। अब हमको पुलिस गड़बड़ी अभ्यास करना है, ये अभ्यास करना है कि अब एक व्यक्ति मान लो नींद में आ रहे हैं, क्या करना है, बता कब निद्रा आ रही, सोच रहा है निद्रा आई कि नहीं आएगी, जब तक सोचता रहेगा कि निद्रा कब आए, तुम निद्रा कब आए, तब तक निद्रा आने वाला नहीं है। उससे अच्छा उस समय तो सोच रहे थे भगवान के नाम जाप करता तो चिंतन करता, निद्रा ठीक है भगवान नाम तो हो ही रहा है, अब समय तो नुकसान नहीं होगा, भगवान नाम तो ही रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे अपरिखिन्नता के साथ हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो हो रहा है ठीक है, इससे कर इससे आगे बढ़ूंगा। इसलिए वे बोलते हैं कि समाधि पूर्वक तत्व साक्षात्कार प्रतिबंध, तीन प्रतिबंधक है, ऐसा विक्षेप प्रतिबंधक है, ऐसा लय भी प्रतिबंधक है, इस प्रकार स्वपाशय भी प्रतिबंधक है और समाधि शुद्ध भी प्रतिबंधक है। चार क्या हुआ, लय, लय जब हो जाएगा मतलब सो जाएगा मन, पहला तो ये विचार करने नहीं देगा, दूसरा क्या आपने जगाया इधर उधर भरने लग गया, फिर विक्षेप ये भी समाधि के लिए, अब ये तीसरा, तीसरा क्या हो गया, ये सो भी नहीं रहा है और विक्षिप्त भी नहीं हो रहा है, परंतु आपने अभिष्ट वस्तु को भी नहीं डाला, चुप बैठा हुआ, शैतान बालक है वो खेलना चाहते हैं, अब मम्मी बोलते पढ़ो, अब देखा क्या बाहर जाने नहीं देगा, पुस्तक खोल के बैठा है, पुस्तक खोल के बैठा है, वो पढ़ भी नहीं रहा है, बाहर भी नहीं पढ़ूंगा, नहीं मेरे को खेलने नहीं दे सकते, मैं पढ़ूंगा नहीं, बोला ऐसी प्रकार मन भी आपको बोलेगा हाँ तुमने मेरे को बाहर जाने नहीं दिया तो मैं भगवत चिंतन भी नहीं करूँगा। इसको भी समझना है, इसको भी समझना है, क्योंकि कभी कभी ये तमोगुण जो है ना सत्य गुण सादृश्य दिखाई नहीं देता, तमोगुण सत्य गुण सादृश्य दिखाई नहीं देता, ये आपने आप ही इस चीज़ को समझना है सूक्ष्म। और फिर क्या हो गया, समाधि लग गई, और समाधि मतलब किसी वस्तु के ऊपर अपने मन एकाग्र हो गया, परंतु आत्मा वस्तु नहीं है उसमें आनंद मिल रहा है, आप उसी को करने चाहिए। ये चौथा प्रतिबंध है, ये चौथा प्रतिबंध हो गया, वहाँ से भी मन खुल गया, ये जो है इसलिए विचार सबसे अच्छा है, विचार आपको मन को कभी खींचना होने नहीं देगा, ये समय आते हो अभिव्यक्त हो ही जाता है। इसीलिए चार चीज बोले लय विक्षेप असह शुक्र आगा तेज जो है सभी से, ये शुक्र आगमन का शुक्र समाधि शुक्र प्रति आसक्त है उसमें, तेभ्य मनुष्य बक्षमानो वहाँ से इन सभीों से मन को आगे कहे जाने वाले उपाय के द्वारा निग्रह करना चाहिए, मन को एकाग्र मत संयमित करना चाहिए, अन्यथा समाधि साफल्य अनुपत्ति, नहीं तो समाधि में सफलता मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि हम उसको लेकर के बोलते हैं 42 नंबर उपायेन निगृहणीया, उपायेन निगृहणीया विक्षिप्तं कामभोगयोः, विक्षिप्तं कामभोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा, यथा कामो लयस्तथा उपायेन निगृहीता विक्षिप्तं कामभोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा। उपाय न उपाय के द्वारा निगृहीत मन को संयमित करना चाहिए, कौन सा मन को, मन का क्षण दिया ये उपाय न निगृहीत मन को, वही मन को सिखाने बोलते हैं विक्षिप्त काम हो गए हो, काम और भोग, काम और भोग में क्या भिन्नता है, काम हो गया अपने अभिष्ट वस्तु की मन में चिंतन करते हैं, अपने जो अच्छा लगता है ये काम एक मिले एक करोड़ काम, और भोग मतलब वस्तु मिल गया उसके साथ जो व्यवहार है वो गया भोग,
इस प्रकार से काम और भोग, इससे जो मन विक्षिप्त होता है उसको उपाय पूर्वक निगृहित मतलब उसको रोकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। काम भोग वस्तु की चिंता, भोग वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दोनों छोड़ना है। एक दूसरा क्या है, ठीक है आपने उसको तो हटा लिया मन, तो मन क्या करेगा, सोने की इच्छा करेगा। उस समय तो अच्छा लगता है, शिशु की मुझे ऐसा आनंद मिलता है, उस समय मैं बैठा तो लगता है लंबा समय बीत गया, तो अच्छा समाधि लगा, मुझे पता ही नहीं था क्या समाधि लगा, वो भी एक समस्या होता है। सुख प्रसन्न लय से है ना, लय अवस्था में सुख प्रसन्न तो रहता है, परंतु वो भी जो है आपको तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंधक बनता है। यथा कामो लयस्तथा, जैसा काम के द्वारा विक्षिप्त मन तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंधक है, इसी प्रकार लय में डूबा हुआ मन भी तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंधक है। शीघ्र वेदांतिक समाधि जो है बिल्कुल विचार पूर्वक मन बुद्धि सजग रख करके तीक्ष्ण विचार दृष्टि के द्वारा संसार के तत्व निश्चय करके मन को स्थिर करना। तो देखो मंडू को कायदा कर इस अधिकारी को भी कुछ पहला कैटेगरी में उठाना चाहते हैं, पहला कैटेगरी में उठाना चाहते हैं, इसी रास्ता बता रहे उपाय बुनियाद विक्षिप्त काम भोग उपाय आगे बताएंगे आपको। सुख प्रसन्न लय चैव यथा कामो लयस्तथा है ना, इस प्रकार लय अवस्था में मन सुख प्रसन्न रहता है, परंतु दोनों ही बीच के एक सकाशय अवस्था समझना चाहिए, उसको भी है ना वो तीनों आगे बोलेंगे। ये सभी हमारा इसमें मतलब तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंध है, तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंध है। जो टीकाकार तो बोलते हैं अन्यथा समाधि साफल्य अनुपतिक श्लोक में पढ़ लिए जो उपाय ना, अब जो आगे बोल रहे हैं कि प्राक उक्ता उपायात एव मन निग्रह परिग्रह श्रवणादि विधि आनर्थकमिति मन वहन संकते। हाँ बात एक और बात क्या बोलते हैं कि मन निग्रह के उपाय से भी जाता तो साक्षात्कार हो जाए तो प्राणुक तो उपाय मतलब अध्यापय और आपका निष्ठा, इसके द्वारा यदि तत्व साक्षात्कार हो जाता तो सब मन निग्रह से साक्षात्कार हो तो इससे हो जाएगा। से बोलते हैं प्रागुक्ता उपाय, जैसे पहले उपाय आपने बताया मन स्वनिग्रह तत्पर उपाय से उपायात एक मन निग्रह परिग्रह, मन का निग्रह परिग्रह तो होना संभव हो जाता है। तब श्रवणादि विधि अंत तक आत्मा हमारे दृष्टव्य मंतव्य निविद्या से सभी प्रकार जो वाक्य विधि वाक्य जो है अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ प्रकृति मनमान इस प्रकार मन में रखने वाला व्यक्ति शंका करते हैं, शंका का यहाँ पे देखिए इधर तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ती है। प्राग उक्ता उपाया तीन नंबर टिप्पणी प्राग मतलब अपरिखेद आत्मकार है ना, मतलब भवे अपरिखेद ठीक है ना, मनुष्य भवे अपरिखेद मतलब अध्यवसाय और उद्यम, उद्यम और अध्यवसाय के द्वारा भी मन जो है वश में आता है। यदि यही तत्व साक्षात्कार के लिए उपाय है तो श्रवण मनन क्यों बोलते हो, फिर श्रवण मनन की क्या आवश्यकता है, ऐसा शंका करने वाले बोलते प्रारूप का उपाय मतलब अपरिखेद आत्मका जो खिन्न का भी जो करके जो आपको रास्ता बताते हैं। परंतु यहाँ पे एक टिप्पणी और दिखाई पड़ रहा है उपाय नहीं होगा, एक नंबर उपाय ठीक है ना, उपाय में क्या बोलते हैं काम भोग हो चिंतमान भुज्यमान अवस्थापन्न विषयेषु ठीक है ना, काम भोग कहाँ पे आया उपाय न निगृहान विक्षिप्तम काम भोग हो है ना, ये काम हो गए हो उसको देखते स्वप्न में द्विवचन है, ये चिंतमान काम हो गया विषय संबंध चिंता करते रहना ये हो गया काम, और भुज्यमान अवस्था पर और एक हो गया आपका भोग अवस्था, भोग को वस्तु को चिंता हो गया काम, और भोग को वस्तु को प्राप्त के बाद जो चिंता का वह करना हो गया भोग, ये दोनों अवस्था चिंतमान भुज्यमान अवस्थापन्न विषयेषु है ना, विषय के साथ जब ये भाव को प्राप्त करते हैं कि विक्षिप्तम समय विक्षिप्तम अग्निते उपाय निग्निया विक्षिप्तम विक्षिप्तम कर विक्षिप्तम, हमारे पास योग दर्शन में मन की कितनी वृत्तियाँ हैं पांच, प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति और निद्रा, पांच वृत्ति है मन
मन की पांच वृत्तियां है, प्रमाण, विकल्प, विपर्य, स्मृति और निद्रा। ठीक है, इस पांच वृत्ति में मन घूमता रहता है और बाकी विक्षिप्त आदमी तो कुछ भी नहीं करते, उसका तो कभी योग दर्शन मतलब साधन में योग्यता ही नहीं आया। तो यहाँ पे बोलते हैं कि प्रमाण, विकल्प, विपर्य, स्मृति नाम अन्नतमया अपि वृत्ता परिणतम मन उपायेन वक्षमानेन वैराग्येन अभ्यासेन च निकृणीयात् निरुन्ध्यात् निरुन्ध्यात् आत्मनिधेव इति अर्थ। ठीक है, देखिए चित्त मन का चित्त वृत्ति पांच प्रकार पंचतरय दृष्टा दृष्ट पांच प्रकार के वृत्ति तक। फिर उसके बाद वृत्ति क्या है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, नित्य। वहाँ पे बोलते हैं देखो टिप्पण प्रमाण, प्रमाण किसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणी प्रत्यक्ष अनु जो दर्शन शब्द तीन प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम है ना। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण आदि प्रत्यक्ष मानो जागृत काल में इंद्रियों के माध्यम से विषय का ज्ञान होता है, हो गया प्रत्यक्ष। अनुमान प्रमाण किया देखा कुछ, उसका निष्कर्ष कुछ निकाला, हो गया अनुमान प्रमाण। और शास्त्र प्रमाण ये तीन प्रमाण 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 हो गया प्रभाव, इसके द्वारा हमारी वृत्ति बनती है और वृत्ति बाहर भी जाता है, व्यवहार भी करता है। इसलिए मन की वृत्ति प्रमाणानुकूल वृत्ति एक होता है, प्रमाण वृत्ति। और फिर क्या होता है, विकल्प, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, ये भी एक वृत्ति है। मैंने बोला देखो देखो ये बंधा पुत्र जा रहा है हाथ में धनु लेकर, मन में कोई वृत्ति वृत्ति नहीं होती। जैसे हमने कहा कि देखो देखो ये देखो वो वृत्ति जा रहे हैं, वो व्यक्ति है नहीं, ये देखो आकाश को सुख इतना सुंदर माला बनाया, मन में कोई वृत्ति उठते कोई, क्योंकि जो माला दिखा हुआ है ना तब सात दृश्य को जब वृत्ति मन में उठते हैं, ये जिसको विकल्प होता है शब्द ज्ञान है, मतलब शब्द तो प्रयोग किया मन तो कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु विकल्प। और ये विपर्य मिथ्या ज्ञान मतलब रूप प्रतिष्ठा विपर्य, जो उल्टा ज्ञान होता है विपर्य का मतलब भ्रांति को अतस्मिन तद बुद्धि, इसलिए बोलते हैं मिथ्या ज्ञान अतद रूप प्रतिष्ठा, जो जिस रूप में नहीं है उस रूप में प्रतिष्ठित हो जाना। व्यक्ति में सर्प नहीं है अब सर्प मनुष्य विपर्य जाएगा। स्मृति स्मृति हो गया अनुभूत विषय असंक्रमोश स्मृति, जो आपने अनुभव किया उसको अतिक्रमण करके आपका स्मृति नहीं हो सकता। जो वृत्ति उठी है जो आपने अनुभव किया उस अनुभव को अनुसार जिस प्रकार की वृत्ति मन में होती है उसको बोलते हैं स्मृति। अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा, यहाँ पे नहीं कि अभाव प्रत्यय का भी मन जब आलोकन करते हैं तो उसका निद्रा वृत्ति बोलते हैं, निद्रा निद्रा को भी एक वृत्ति माना गुण दर्शन इस समय मनोवृत्ति का वृत्ति माना, इसलिए वो निद्रा वृत्ति भी हमारे जो है समाधि के लिए साधन के लिए प्रतिकूल है। इसीलिए बोलते हैं प्रमाण, विकल्प, विपर्य, स्मृति नाम है ना, प्रमाण से जो वृत्ति उठती है, विकल्प से जो वृत्ति उठते हैं, क्रांति जो वृत्ति उठते हैं, अनुभव से जो वृत्ति होती है, स्मृति वृत्ति नाम स्मृति नाम अन्नतमा अन्नतमया अपि है ना, इन चारों में से कोई भी एक वृत्ति के द्वारा मन में विक्षेप होगा। ठीक है ना, वृत्तिया परिणतम मन जो उस वृत्ति के द्वारा मन में परिणत होगा, उपाय न आगे बोला जाएगा, जो उपाय जिस उपाय के आगे कहा जा रहा है उसके द्वारा वो उपाय क्या है, वैराग्य न अभ्यास है ना, अभ्यास वैराग अभ्यास शब्द क्या बोला, तत्र स्थित यत्न अभ्यास, जो किसी भी साधन को आपने प्राप्त किया उस साधन उसमें स्थिर रहना बार बार जो है यही अभ्यास है। और वैराग्य दृष्ट अनुसारित विषय में जिसमें से वो शिकार संग वैराग्य इन लोग पर्वत में जितना वस्तु हमने देखा सुना है सभी विषय से मन पहुंचे यह वैराग्य भी परम प्रसन्न है, इसलिए इसके द्वारा मन को निपुण किया जा सकता है। परिणतम मनो उपाय न बक्षमाने न वैराग्य न अभ्यास न च निकृणिया, उसको निकृण करना चाहता है निरोधात् तत्व चित्तवृत्ति निरोध, क्या बोलता है जो चित्तवृत्ति निरोध उसको निरोधा है ना, हाँ निरोध करना है मन को रोकना कहाँ पे है, कोई काल नहीं रोकेगा आत्मनिव है ना, आपने नहीं रोकना है इसको आत्मनिव इति अर्थ हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो आपका ये चार व्यक्ति जब है वो चार व्यक्ति प्रमाण विपर्य विकल्प और स्मृति, ये चार व्यक्ति तो विक्षेप उत्पन्न करते हैं। निंदा व्यक्ति क्या करता है, मैं देखें निंदा व्यक्ति वाला रखा पांच व्यक्ति को लगित पंचतरीय, इसमें चार व्यक्ति विक्षेप उत्पन्न करता है। निंदा क्या करता है, लयात्मक वृत्ति लगा, इसमें तथा लीयते अस्मिन स्थान लय की लय
स्थान का जागरण का स्वप्न जिसमें आकर के लय प्राप्त करता है वो स्थान क्या हो गया? सुषुप्ति स्थान हो गया। अस्मिन् स्थानद्वयमिति लय सुषुप्तम तस्मिन् सुप्रसन्नम आयास वर्जितम अपि मन, वहाँ पे तो मन सुप्रसन्न रहता है, उठ करके बोलता है कितना आनंद से सोया था, है ना, आयास रहित हो जाता है मन। तो इस प्रकार के मन को भी निग्रहित करना चाहिए, उसमें मन कुछ काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मन से भी जो है और तत्व साक्षात्कार नहीं है ना, इसलिए बोलते हैं तथा लीयते अस्मिन् स्थानद्वयमिति लय सुषुप्तम तस्मिन् सुप्रसन्नम आया सुप्रसन्न होता आया संवर्धितम अभी आया से रहित होते हुए भी मन उस प्रकार मन को भी निग्रह करना चाहिए। क्यों? सुप्रसन्नम चेत किमिति निग्रह, मन जब वहाँ पे आनंद में आनंद मिल रहा है, सुप्रसन्न है, उसको भी निग्रह क्यों करे? वहाँ से उसको भगाए क्यों? वहाँ से उसको भगाए क्यों? तो बोलते हैं सुप्रसन्नम चेत क्या होगा? वो तत्व साक्षात्कार बोध में जो है परिवर्तन करता है, है ना, इसलिए सुप्रसन्न चेत किमिति गृह कि गृह तत्व यथा काम तथा लय, है ना, जैसे काम वो के लिए हमारे जो है मतलब तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंधक है, उसी प्रकार जो मन लय हो जाता है वो भी जो है सीधे मन फंक्शन नहीं करता, उस अवस्था में भी तत्व साक्षात्कार नहीं हो सकता। यथा काम, यथा काम विषय गोचर प्रमाणादि वृत्ति उत्पादन समाधि विरोधी तथा लयअपि निर्द्रक्ष वृत्ति उत्पादन समाधि तद विरोधी। ठीक है, इतना सुंदर देखिए पूरा समझा करके दिखाना है। क्या बोलते हैं? ये यथा काम जैसे भोग्य वस्तु की चिंता, विषय गोचर प्रमाणादि, विषय को अपने प्रमाण के द्वारा जाना, विषय आपका इंद्रियों का विषय बन गया, विषय आपका इंद्रियों का विषय बन गया, उस प्रकार विषय की वृत्ति को उत्पादन करके तब विषय संबंधित मनोवृत्ति को उत्पादन ही ना समाधि विरोधी मन के कारण जैसे इस प्रकार विषय चिंतन समाधि के विरोध या ठीक उसी प्रकार अब मन लय हो गया। ठीक है ना, मन सो गया, लय अभी निद्रा कभी मन लय क्या करता है, निद्रा नामक वृत्ति को उत्पन्न करेगा, अभाव प्रत्यालक मनोवृत्ति निद्रा, तो वो भी क्या हो जाएगा, समाधि का विरोध हो जाएगा। समाधि का विरोध अच्छा तो लगता है कुछ देर तक बैठा है तो मन कुछ फंक्शन नहीं करता, हाँ कितना देर तक आराम से बैठा है, लय हो गया, फिर झटके बैठा सो गया, वो भी जो तत्व साक्षात इसलिए वेदांतिक समाधि थोड़ा सा इसलिए विचार पूर्वक विचार को हमेशा बना के रखे, मन उसी में समाहित होता है, एकाग्रित हो जाता है, बाकी जो भी प्रारब्ध वस्तु आता है अपने आप आता है जाता है, आता है जाता है, इसलिए उत्पादन है ना तब विरोधी सर्ववृत्ति निरोध ही समाधि, दोनों प्रकार की वृत्ति विक्षेपात्मक वृत्ति और लयात्मक वृत्ति दोनों प्रकार की वृत्ति जब रुक जाती है तब मन समाहित होता है। कामाधिकृत विक्षेपात श्रमाधिकृत लयादपि मन निर्धव्य अर्थ है ना, देखिए जैसे वासनाओं के कारण कामाधिकृत विक्षेपात वासनाओं के कारण मन में जो विक्षेप होता है वो जैसे समाधि का विरोध है उसी प्रकार से अधिक परिश्रम इसलिए ना जो दस्य में क्या होता है भक्त युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्न बहुदस्य योग भवति आहार कहता है नियमित रूप से परिमित आहार विहार परिश्रम का अथवा वो भी लिमिटेड इससे अधिक नहीं नियमित रूप से परिमित आहार नियमित रूप से थोड़ा चलना फिरना थोड़ा सा इनको संचालित करना आहार युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सु है ना कर्म के प्रयास के लिए आपका बिल्कुल जितना आवश्यकता शरीर धारण के लिए उतना अधिक बोझ नहीं ले लेना युक्त आहार युक्त सपना का बोझ है ना सोना और जगना इसका मतलब दोनों सोना भी अधिक नहीं होना चाहिए और जगना भी अधिक नहीं होना चाहिए तीन चार आठ जगह में बैठे मन की सामर्थ्य योग भगवती दुख उस व्यक्ति के लिए जो साधन दुख हंति दुख दुख नाशक होता है उसके लिए दुख का नाशक होता है इसलिए बताया सर्ववृत्ति निरोध ही समाधि अथ कामाधिकृत विक्षेपाति वो इस प्रकार मतलब काम और भोग के कारण से भोग की इच्छा के कारण से मन में विक्षेप उत्पन्न होता है उसी प्रकार से समाधिकृत लयादपि समाधि श्रम के कारण श्रम आदिकृत मतलब श्रम आदि श्रम अथवा अधिक काम अथवा अधिक व्यापार मनोवृत्ति कारण जो हमारा मन थक जाते हैं लयादपि मनोनिरोध एवं मन को निरोध करना चाहिए इति अर्थ इसके अंतर्गत है।
नहीं हुए, एक नंबर समय हो गया। अच्छा तीन नंबर टिप्पणी था, प्रागुक्ता उपाया प्रागुक्ता और परिखेदात्मका परिस्पन्न में जो पढ़ा था तीन नंबर का, मनो निग्रह परिक्रय श्रवनादि विधि आनंद सप्तम की शंका हो गया था ना, तीन नंबर टिप्पणी मतलब तत्व ज्ञान फल की सिद्धि है ना, उसी से मान निग्रह से तत्व ज्ञान फल वाला हो जाएगा, ऐसा कोई शंका करता है तो श्रवण मानने का क्या करना है, ऐसे शंका करने पर उत्तर दे कि मेरी परिक्रमा ना वो कर कर ஜமதிஷயம் प्रणतमय विहंते ब्रह्मय तन्नरोऽस्मि ॐ पूर्णमदम् पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायणं शुक्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरावेति ॐ दिव्यभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणा।